हेलो स्टूडेंट्स मैं आज वोल्टेज रेगुलेशन को लेकर दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाली हूँ और इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में किस टाइप की इन्फॉर्मेशन दी रहती है और वोल्टेज रेगुलेशन कैसे फाइंड करना है या वोल्टेज रेगुलेशन के डेरिवेशन के दौरान हमने क्या क्या फॉर्मूले देखे उनका यूसेज कैसे करना है वो सारा मैं डिस्कस करने वाली हूँ मैं अनुप्रीता मिश्रा चलिए आज अपन स्टेटमेंट को देख लेते हैं कैलकुलेट द रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इन विच ओमिकॉस वन परसेंट ऑफ द आउटपुट ओमिक लॉस जो है वो वन परसेंटिक लॉस किस को कह सकते हैं या फिर ये भी हो सकता है आई टू स्क्न स्क् हो सकता है परसेंटेज में ये ओमिक लॉसिस का परसेंटेज अपने को दिया हुआ है द रिएक्टेंस ड्रॉप इज़ फाइव परसेंट ऑफ द वोल्टेज रिएक्टेंस ड्रॉप मतलब ये वाला ले लीजिए या फिर आई वन एफ एल एक्स ज़ीरो वन ले लीजिए दोनों में से किसी को भी मान लीजिए ये दिया हुआ है वैन द पावर फैक्टर इज आइदर दर पॉइंटेड यूनिटी पावर फैक्टर और रेगुलेशन पावर फैक्टर एट रेगुलेशन पावर फैक्टर वैन रेगुलेशन इज ज़ीरो ठीक है एट रेगुलेशन इज़ ज़ीरो Uh, हमें वो पावर फैक्टर भी चाहिए जिस पर रेगुलेशन जीरो है गिवन क्या क्या दिया हुआ है जब परसेंटेज ऑफ कॉपर लॉसेस दिया रहता है तो वो आपका

वन परसेंटेज या फिर परसेंटेज कितना वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होगा वो बीच में प्लस साइन होगा और आपको याद होगा मैंने I2 टू एक्स आर जीरो टू डिडेड बाई इन टू हंड्रेड को किस में कन्वर्ट कर दिया था आर परसेंटेज में और एक्स जीरो परसेंटेज वाला यहाँ पे जो बन गया था वो किससे बना था I2, X02 आई टू एक्स जीरो रखा है इसलिए बीच में प्लस साइन है एक्स जीरो टू अपने फाइव परसेंट दिया तो फाइव लिख लूंगी साइन थीटा टू को मैं अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा टू लिख रही हूँ जब इसको सॉल्व करते पॉइंट तो सिक्स आता है तो और इसकी point six, पूरा करने पे आया अब फैक्टर पर रेगुलेशन आउट कर लेते हैं तो यूनिटी पावर फैक्टर में मतलब की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो कुछ नहीं किया आर जीरो वन थीटा, मतब, one into one, five into zero, ऐसे करके ये वन परसेंटेज रेगुलेशन आ गया यूनिटी पावर फैक्टर पर अब मैं पॉइंटेड लैगिंग का भी करके बता रही हूं ये रहा लीडिंग का पॉइंटेड लीडिंग है ये पॉइंटेड लीडिंग का भी करके बता रही हूं तो सेम यहाँ पे प्लस की जगह माइनस साइन आएगा बाकी क्वांटिटीज वैसे ही है पॉइंट एट पॉइंट सिक्स तो ये माइनस टू पॉइंट टू परसेंट आया वोल्टेज रेगुलेशन अब हमें पावर फैक्टर वो वाला भी पता करना है जिस पर रेगुलेशन जीरो है तो कैसे पता करेंगे वोल्टेज रेगुलेशन जिस पर जीरो रहता वो पावर फैक्टर थीटा टू कितना होता है माइनस टेन इनवर्स इज इक्वल थीटा टू इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स आर टू अपॉन एक्स टू होता है तो आर टू अपने को वन परसेंट में दिया है और एक्स टू भी अपने को वन परसेंट में दिया है तो वन अपॉन फाइव उनका रेशो होगा ही तो उस हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये अपने को इलेवन पॉइंट थ्री नाइन डिग्रीज का एंगल मिल जाता है पावर फैक्टर का और वो भी लीडिंग का क्योंकि हमें मालूम है सारा एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ कि ये जो आपको मिल रहा है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन ये हमेशा लीडिंग पावर फैक्टर पर ही मिलता है तो चलिए अब मैं दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस कर लेती हूँ इसके बाद बोर्ड रब करके नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट है टेंथ के वी ए सिंगल फेस ट्रांसफार्मर फॉर टू थाउजेंड ऑब्लिक फोर हंड्रेड वोल्ट्स एट नो लोड है फाइव पॉइंट फाइव ओम्स एक्स वन इज इक्वल टू ट्वेल्व ओम्स आर टू इज इक्वल टू पॉइंट टू ओम्स एक्स टू इज इक्वल टू पॉइंट फोर फाइव ओम्स मतलब एक टेन के वी ए का सिंगल फेस ट्रांसफार्मर है जिसका वोल्टेज रेशियो टू थाउजेंड ऑब्लिक फोर हंड्रेड वोल्ट है और नो लोड पर है वोल्टेज मतलब अगर कोई लोड नहीं लगा होगा तो सेकेंडरी के अक्रॉस या तो फोर हंड्रेड वोल्टेज अपियर होगा या टू थाउजेंड वोल्टेज अपीयर होगा या तो करके मैं क्यों बोल रही हूँ क्योंकि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी या सेकेंडरी एज सच फिक्स नहीं होती है हम हाई वोल्टेज साइड में सप्लाई दे दे तो वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होती है और लो वोल्टेज हमारी सेकेंडरी हो जाती है वाइस वर्षा भी कर सकते हैं तो इसलिए मैंने कहा कि नो लोड कंडीशन में चाहे ये प्राइमरी ये सेकेंडरी हो या ये सेकेंडरी हो वोल्टेज जो होगा आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज वो 400 या 2000 मिलेगा रेजिस्टेंस रिएक्टेंस प्राइमरी वाले और सेकेंडरी वाले रेजिस्टेंस रिएक्टेंस की वैल्यू दे दी है ओम्स में डिटरमाइन द अप्रोक्सिमेट वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज एट फुल लोड पॉइंटेड पावर फैक्टर वेन द प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज इज टू थाउजेंड मतलब हमने इससे हमें समझ में आ रहा है कि प्राइमरी हमने किसको बना दिया हाई वोल्टेज वाइंडिंग को बना दिया और साथ में ये बोल रहे हैं कि हमें अप्रोक्सिमेट वोल्टेज फाइंड करना है सेकेंडरी साइड का मतलब वी टू लोड का और लोड कितना लगा हुआ है पॉइंटेड पावर फैक्टर का लगा हुआ है तो चलिए ये एक्चुअली इस टाइप का जो फॉर्मूला है मैंने आप लोगों को बताया था वोल्टेज रेगुलेशन के टाइम पे तो वोल्टेज रेगुलेशन को एक्सप्लेन करते टाइम इन बिटवीन जो फॉर्मूला की मदद से मैं अप्रोक्सीमेट सेकेंडरी वोल्टेज वी टू निकालूंगी अब गिवन क्या है मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो नहीं है ये वाइंडिंग रेशियो है स्मॉल ए मैंने बताया था वाइंडिंग रेशियो होता है तो स्मॉल ए की वैल्यू फाइव है या अप या के की केन अपॉइन फाइव है ठीक है अब मैं रेफर टू सेकेंडरी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे सेकेंडरी साइड का वोल्टेज अप्रोक्सीमेट वाला निकालना है तो बेटर है कि मैं पूरा सर्किट रेफर टू सेकेंडरी कर लू अब आर जीरो टू और एक्स जीरो टू रेफर टू सेकेंडरी इसलिए निकाल रहे क्योंकि सेकेंडरी साइड का अप्रोक्सिमेट वोल्टेज निकालना है बी टू तो अब आर वन डैश प्लस रेफर टू सेकेंडरी तो आर वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस पॉइंट टू जो वैल्यूज हमको देकर रखी उसके हिसाब से पॉइंट फोर टू आएगा ऐसे ही एक्स जीरो टू जो होगा वो एक्स वन डैश होगा प्लस एक्स टू होगा इक्वल टू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स टू तो ट्वेल्व अपॉन फाइव स्क्स पॉइंट फोर फाइव ऐसे करके पॉइंट नाइन थ्री हो जाएगा अब साथ में हमको केवीए रेटिंग देकर कर रखी है 10 केवीए तो 10 10 थ्री कर देंगे तो केवीए में ये होगा uh, 10 फोर कर करके पर ये किसके बराबर होता है v1 i1 के इक्वल टू v2 i2 के तो मैं इसकी मदद से इन दोनों की मदद से मैं i2 निकाल सकती हूं तो वो निकाला हुआ है i2 क्योंकि v2 की वैल्यू हमें मालूम है कितनी है 400 तो i2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 एम्पियर्स फुल लोड वाला अब theta pointed lagging दिया हुआ है है। लोड का का और sin theta इससे निकालते तो आ जाता है। अब no load condition में जो winding के वोल्टेज होगा वही का वही ट्रांसफार्मर के टर्मिनल वोल्टेज पे रहता है तो इसलिए मैं यहाँ पर ई टू की वैल्यू समझने की कोशिश कर रही हूँ कितनी है फोर हंड्रेड वोल्ट यह स्टेटमेंट अपने आप में बताता है कि ई टू की वैल्यू जो होगी वो फोर हंड्रेड वोल्ट होगी अब जो वोल्टेज रेगुलेशन वाला फॉर्मूला है वो क्या होता? E2 V2 ये होता है तो वैसा ना करके मैं ई टू इक्वल टू वी टू प्लस आई टू एक्सो टू साइन थीटर टू कर देती हूँ तो ये क्या हो गया इससे मुझे क्या मिलेगा अप्रोक्सिमेट वैल्यू वी टू की वो मैंने एक्सप्रेशन गड़बड़ लिख लिया था तो वी टू इज इक्वल टू हो जाएगा ई टू माइनस आई टू आर जीरो टू कॉस्टर टू और माइनस आई टू एक्स जीरो टू साइन टू तो सारी वैल्यूज हमने रख दी तो ये थ्री सेवन सेवन पॉइंट सिक्स फाइव वैल्यू आई वी टू की ये सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज है अप्रोक्सिमेट वाला जिसकी वैल्यू कितनी थ्री सेवन पॉइंट सिक्स सेवन उम्मीद है आप लोगों को ये दो छोटे छोटे क्वेश्चन समझ में आए होंगे इसकी मदद से एस सच बहुत ज्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं है पर जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैंने ये दो क्वेश्चन करवाए कि किस तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो लगभग इसके आसपास के ही सारे क्वेश्चन होते हैं या फिर जो मैंने आप लोगों को ट्रांसफार्मर इफिशंसी वाले क्वेश्चन करवाए हैं तो उस इफिशियंसी वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट और कैलकुलेशन के लिए जोड़ दिया जाता है वो होता है वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने का किसी पर्टिकुलर पावर फैक्टर पर तो इस तरीके से ये पूरा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है तो उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा और मेरा ट्रैक भी क्लिक कर रहा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए थैंक यू